और ये बिजली भी काका ना बार बार चली जाती है। ट्रेनों में काका इतनी भीड़ रहती है आजकल, भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे रहते हैं। तो अच्छा हुआ कि मैं रिजर्वेशन करवा के आया था। हाँ थोड़े पैसे ज्यादा लगे हैं लेकिन आराम से आया था। अच्छा ये बता तू गिल साहब से मिला या नहीं? नहीं काका, फिर हिम्मत नहीं हो पाई। फिर हिम्मत नहीं हुई? लेकिन क्यों बताओ? कहा ना काका, किसी से मिल लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, और वो भी किसी और की पैरवी करने के लिए मिलना। लेकिन कभी सोचा चौधरी साहब से हम क्या कहेंगे? तीन तीन बार आ चुके भतीजे। काका देखो भतीजे, संबंध जीवन में तोते की तरह होते हैं, लेन देन और मेल जोल के पिंजरे में बंद करके न रखे जाए तो उड़ जाते हैं। अब मुझसे नहीं होता काका तो मैं क्या करूं? अरे हाँ, अब ये मेरे स्वभाव में नहीं है। अच्छा वर्मा जी को देखो, उनसे कुछ सीखो। पता है सुबह सुबह निकले, तीन मंत्री, चार सेक्रेटरी और पांच डायरेक्टरों से मिलके 15 आदमियों को काम करा के चले आए। तुम्हें गिल साहब से नहीं मिल सकते जबकि वो तुम्हारा कितना आदर करते हैं बेटा। वर्मा जी दलाली करते हैं काका, और मुझे दलाली नहीं करनी। करनी पड़ेगी बेटा, नहीं आती तो दलाली सीखनी पड़ेगी। काका देखो देखो, जिसे तुम दलाल कहते हो ना, वही इस देश को चला रहे हैं, वही बजट बना रहे हैं, वो मंत्रिमंडल बना रहे हैं, वही देश की दिशा तय कर रहे हैं। युद्ध और शांति भी इन्हीं मिल लेने वालों के इशारों पर चलती है। भतीजे तुम्हारा सामान्य ज्ञान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? गलती हो गई काका, अब बस भी कीजिए। सुनो सुनो सुनो, देखो दूसरों का काम करने में कैसी झिझक, कैसी शर्म, अब इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? देखो गांधी जी भी दूसरों के लिए काम करते थे। लेकिन आप मुझे बख्श दीजिए। ए आइए आइए चौधरी साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शर्मा जी आ गए? हाँ थोड़ी देर पहले आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, मेरा काम तो जरूर हो गया होगा। गिल साहब तो उनके बहुत बड़े फैन हैं, जब मैंने उनका हवाला दिया तो कहने लगे भाई शर्मा जी तो मिलते ही नहीं, हाँ दिल्ली आते हैं और बिना मिले चले जाते हैं। काका जी अगर एक बार शर्मा जी गिल साहब से कह दें तो गिल साहब काम करके घर पे पहुंचा जाए। हाँ अब इतने बड़े लेखक जो हैं, लेखक से बड़ा सिर्फ भगवान होता है। वो तो है। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं शर्मा जी आप? गिल साहब से मुलाकात हुई क्या आपकी? जी नहीं, गिल साहब थे नहीं, मसूरी टूर पर गए हुए थे, एक सप्ताह बाद लौटेंगे। मसूरी की टूर पे? नहीं तो किस्मत ही खराब है। नहीं अब उनका प्रोग्राम ही ऐसा था। जब आप पिछली बार गए थे तो शिमला की टूर पे थे और इस बार भाई क्या करें, वो थे नहीं ना। हाँ अब लीजिए, सरकार की सारी व्यवस्था गजब है, साल भर तक सरकार की सारी मीटिंगें इसी इंतजार में रुकी रहती है कि कब गर्मी आए और सरकारी खर्चे पर ये सारी मीटिंगें बंगलोर, नैनीताल और कश्मीर में हुआ करें। अगली बार कब जा रहे हैं आप? जी अगले सप्ताह, लेकिन अगले हफ्ते तो मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ और आपका काम करवा के आऊंगा। एक दो दिन रुकना भी पड़े तो रुक जाएंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद काका जी, धन्यवाद आपका भी शर्मा जी। आगे चाहूंगा मैं। नमस्कार। क्या कहोगे? वही और क्या। अरे 5 बार तो कह चुके, कभी श्रीनगर गए, कभी बेंगलोर गए, कभी मसूरी गए। क्या हुआ, हर बार तो मैं अकेले जाता था, इस बार तो आप भी साथ थे, इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप ही निपटिए। अरे हा
काका नमस्कार, नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, मैं एक सप्ताह के लिए बाहर चला गया इसीलिए आ नहीं पाया। शर्मा जी की मुलाकात हो गई गिल साहब से? लगता है चौधरी साहब आपको अपना काम करवाना नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं आप? अब कभी आप बाहर चले जाते हैं, कभी गिल साहब बाहर चले जाते हैं, अभी बेंगलोर चले गए थे। बेंगलोर? अब लेकिन काका जी, मैंने पता लगवाया था गिल साहब पूरे सप्ताह दिल्ली में ही थे। सरकारी काम है, जाना पड़ा होगा। लेकिन आपका काम हो जाएगा। शरद अगले हफ्ते फिर दिल्ली जा रहा है। अच्छा अच्छा। शरद, शरद बाहर आओ, बाहर आओ, चौधरी साहब आए। अरे चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब आप कब आए? नमस्कार नमस्कार, बस अभी अभी। कब जा रहे हैं आप? जी वो मंगलवार को। मंगलवार को? जी। क्या संजोग है, देखिए मंगलवार को तो मैं भी जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, साथ में मेरी कार में ही चलते हैं। देखिए मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन हो चुका है। अरे मैं कैंसिल करा दूंगा, तुम इनके साथ चले जाओ। बहुत मजा आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। जी पक्का। जी चलिए। चौधरी साहब, अब क्या बात है शर्मा जी? चौधरी साहब सोचता हूं घर पे मिलना चाहिए, यानी कि उनसे मेरे संबंध व्यक्तिगत हैं और दफ्तर में खुल के बात नहीं हो पाए, या पता नहीं दफ्तर में माहौल कैसा हो। लेकिन शर्मा जी आप ही ने कहा था कि दफ्तर में। हाँ मैंने कहा, मैंने कहा था चौधरी साहब, लेकिन क्या है ना कि दफ्तर में इस तरह की बात करने से बात बिगड़ सकती है। ठीक है शर्मा जी, शाम को 8 बजे उनके बंगले पे चलते हैं, उस वक्त वो अकेले भी मिल जाएंगे। तब तक आप आराम कीजिए, मैं शाम को आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है? ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। ये दो लोग तो मिलने के लिए वहां ऑलरेडी खड़े हैं। अरे शर्मा जी, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन आप बात समझ नहीं रहे हैं ना चौधरी साहब, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मुझे लगता है कि उनका काम हो चुका है और वे जाने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे खड़े होने के ढंग से लग रहा है कि वो लोग अभी अभी यहां आए हैं। क्या फर्क पड़ता है शर्मा जी, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। ठीक है? आप समझ नहीं रहे हैं चौधरी साहब, इनका आपस में लेन देन का कुछ मामला होगा, ऐसे में जाना ठीक नहीं है। अच्छा तो एक काम करते हैं, आधे घंटे में हम अपने किसी दोस्त से मिल करके आते हैं, तब तक ये लोग जा चुके होंगे। ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। आइए आइए। धन्य भाग हमारे जो आप पधारे, मुझे अभी अभी पता चला आप आए हुए। आइए हमारे घर आइए जी, प्लीज मना मत करिएगा। अरे आइए आप प्लीज। मैं गुप्ता जी, गुप्ता जी, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि आज हमें जरूरी काम से जाना है। ठीक है? मेरी बीवी इनकी बहुत बड़ी फैन है शर्मा जी, 2 मिनट के लिए हमारे घर। तो फिर ठीक है, चलिए चलिए। तो ठीक है ना, मैं इन्हें लेकर के कल फिर आ जाऊंगा, फिर इत्मीनान से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बातें करेंगे। बस 2 मिनट की बात। चौधरी साहब हमारे पास बहुत समय है जी, हम जल्दी ही निकल लेंगे। आई 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 इस तरफ। जी जी आई। क्या बात है, क्या चाय बनी जी। शुक्रिया। आपने बनाई है जी? अच्छा शर्मा जी एक बात बताइए, आजकल आप कहाँ कहाँ छप रहे हैं? पिछले दिनों मैंने आपकी कहानी हंस में पढ़ी थी। अच्छा। बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा तो आप हंस पढ़ती हैं? जी दरअसल मेरे पिताजी कविताएं लिखते हैं,
तो बचपन से उन्होंने हमें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के संस्कार दिए। क्या बात, हमारे घर में सब लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपकी हर रचना पढ़ी है हम लोगों ने। क्या बात है, कितने अच्छे संस्कार मिले हैं आपको। शर्मा जी चाय जल्दी पीजिए। जी 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 जी, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है भाई, भूख भी बहुत लगती है। भूख लगी आपको? शर्मा जी मैं खाना खाए बगैर आपको नहीं जाने दूंगी। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये शर्मा जी। तब तो फिर एक दिन ट्राई करने के लिए जरूर आना पड़ेगा। अरे एक दिन क्यों, आज ही खा कर जाइए ना, मैं बनाती हूँ। आज खाने का कार्यक्रम रहने दीजिए, किसी और दिन, आज हमें जरूरी काम से जाना है। चौधरी साहब मुझे खाना बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हाँ। बहुत जल्दी खाना बनाती हैं ये। अरे बस 10 मिनट। अरे हमें 5 मिनट में कहीं जाना है गुप्ता जी, समझिए। इतने प्यार से कह रही है, इनका दिल मत तोड़िए शर्मा जी। अरे भाई जैसे 5 मिनट वैसे 10 मिनट। ठीक है तो फिर मैं खाना बना के तैयार कर। अरे एक मिनट, एक बात बताइए आप, कि खाना बनाने का संस्कार आपको अपनी माँ से मिला होगा? जी मुझे मेरी माँ से मिला। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत अच्छा नृत्य भी जानती है। शर्मा जी गुरुदेव के शांति निकेतन में उनके नृत्य का कार्यक्रम हुआ था। क्या बात है साहब, शांति निकेतन बहुत तारीफ हुई थी, पर शादी के बाद ये सब कहाँ हो पाता है, सच छूट गया। बताइए, देखिए ये पिताजी कविताएं लिखते हैं, माता जी नृत्य करती हैं, और आप क्या करते? जी मेरे साथ शादी करने के बाद इनके तो सारे काम हो गए। दरअसल शर्मा जी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, इनकी पेंटिंग के लिए रंग ब्रश और कैनवास का प्रबंध करने के लिए। आप लोग बातें करिए, मैं खाना बनाती हूँ। देखिए देखिए खाना रहने दीजिए प्लीज, समस्या समझिए आप हमें। कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप? अरे मैं शर्मा जी को ऐसी थोड़ी जाने दूंगी, इनका ऑटोग्राफ लूंगी, इनके साथ फोटो खिंचाऊंगी अपने मायके भेजने के लिए। अरे वहाँ तो किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि शर्मा जी कभी मेरे घर आए थे, इसीलिए। मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकता, प्लीज चौधरी साहब। शर्मा जी मैं तैयार होके आती हूँ। तुम तैयार हो? मैं कैमरा लेकर आता हूँ। बस मैं अभी गई, अभी आई। जी शर्मा जी क्या कर रहे हैं आप, 2 घंटे हो गए, चलना है। अरे भाई अब क्या कीजिएगा, ना नहीं किया जाता ना। अब देखिए आपसे भी ना कहाँ कह पाए। थोड़ा मुस्कुराइए चौधरी साहब। चौधरी साहब मुस्कुराइए प्लीज। देखिए मैं यहीं रुकता हूं, आप आराम से बात कीजिएगा। ऊपर समय हो चुका है, खाना खाकर सोने की तैयारी में होंगे, इस वक्त ना ठीक नहीं हूं। नहीं, कोई खास वक्त नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन देख लीजिए दिन भर का थका मांदा आदमी इस वक्त आराम चाहता, और अगर कहीं उनका मूड ठीक नहीं हुआ तो बना बनाया काम बिगड़ सकता। देखिए शर्मा जी, साहब लोग 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं, और अगर इस वक्त आप जाएंगे तो वो अकेले में मिल भी जाएंगे। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए दिन भर की उलझनों का बोझ आदमी के मन पर होता है, सुबह आदमी का मूड अच्छा होता है। ऐसा करते हैं सुबह मिलते हैं, क्यों? ठीक है, आप जैसा उचित समझे। चलिए बैठिए बैठिए। अरे काका आप? हाँ बेटा। लेकिन आप यहाँ कैसे? तुम्हारे कारण। लो। अरे मैंने क्या कर दिया? कल रात कहाँ दावत उड़ाने गए थे? ओह, तो उसने आपको अब यहाँ तक बुला लिया है? देखो शरद, अब तुमको उसका काम तो करना ही पड़ेगा।
काम नहीं करने जा रहे हो, गांधी जी भी करते थे। जो दूसरों के काम आए वही इंसान है ना। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर लेगा? तुम इतने बड़े साहित्यकार हो, डर गए? डरो मत, जाओ जाओ। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार बैठे। आज कैसे रास्ता घूम गए? जी दिल्ली आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बैठे जी। अच्छा किया। इधर तो आपकी रचनाएं काफी आ रही हैं। जी जितनी व्यस्तता के बावजूद आपको मेरी रचनाएं पढ़ने की फुर्सत मिल जाती है। वही तो जाने, वरना काम में इतने तनाव हैं कि मैंने आपकी सारी रचनाएं पढ़ी। अरे जी चाय नहीं पी आपने? हेलो जी। जी हो जाएगा काम। जी जी शर्मा जी, इतनी पैरवियां आती हैं कि मन उब जाता है। कई बार सोचता हूं कि इस्तीफा दे दूं, पर वो भी देते नहीं बनता। देखिए इतना काम, 24 घंटे भी कम पड़ते। आप कुछ लेंगे? जी जी, जी नहीं, मैं ठीक हूं। सर ये फाइल आपकी बहुत इमीडिएट है। Excuse me. जी चलना चाहिए। आप जैसे लोगों से मुलाकात ही कहां हो पाती। चौधरी साहब का प्रमोशन हो जाएगा। मैंने फाइल्स में रोटेशंस लिख दिए हैं, इसमें 2-4 महीने लग सकते हैं। मैं उसके लिए नहीं आया था आपके पास। मैं बस यूं ही, कई दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो सोचा बता दिया आपने।
तुमने आपका हवाला दिया था इसलिए बता रहा हूं। चलता हूं। शर्मा जी दरवाजा उधर है। उधर क्या हुआ? क्या बताऊं काका, पसीने पसीने हो गया। एक बार मिलने में मेरी ये हालत हो गई। अरे धन्य हैं वो लोग, बहादुर हैं वो लोग जो हर रोज किसी न किसी से मिलते रहते हैं।